नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रेत पर प्रतिबंध के बावजूद अभी भी सरवई चदला थाना क्षेत्र में लगातार रेत के अवैध उत्खनन की खबरें मिल रही हैं और अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। भोरिया थाना पुलिस को एक दिन पहले से ये खबर मिल रही थी कि अवैध रेत का उत्खनन लगातार हो रहा है, परिवहन हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने राजस्व विभाग की मदद से ये कार्रवाई की है। एसडीएम की इस कार्रवाई में 10 ट्रक जब्त हुए हैं, तो वहीं एक एलएनटी और एक जेसीबी जब्त की गई। पिछले काफी दिनों से ये सूचना लगातार मिल रही थी, लेकिन उसके बाद ये कार्रवाई गुरुवार को हुई, जिसमें राजस्व विभाग और गोहरा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत 10 ट्रक जब्त किए गए हैं। साथ ही एक एलएनटी मशीन और एक जेसीबी मशीन भी जब्त की गई है। लगभग 10 ट्रक और दो एक एलएनटी और एक जेसीबी जब्त की है, आपराधिक उत्खनन करते हुए। जो नियमानुसार खनिज एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई तो लगातार चल रहा है। अवैध उत्खनन को तो रोकना है, कार्रवाई बराबर आगे से भी जारी रहेगी। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।